हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, होटल मैनेजमेंट रियलिटी। कि होटल मैनेजमेंट में जब हम जाते हैं तो हम क्या क्या फेस करते हैं रियलिटी में। तो चलिए हम शुरू करते हैं होटल मैनेजमेंट ऑफ रियलिटी, कि हम जब होटल मैनेजमेंट में जाते हैं तो हम क्या क्या फेस करते हैं। जैसे बोध का शौक होता है कि जब हम प्लस टू कर लेंगे और हम कॉलेज में जाएंगे तो अच्छे अच्छे मतलब फैंसी कपड़े पहनेंगे, अपना स्टाइल दिखाएंगे हैं और कलर करेंगे, तो ये सब नहीं होता। तो आप पहले ही समझ लीजिए कि जब आप होटल मैनेजमेंट में जाते हो तो आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है और आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी होती है, पर्सनैलिटी होती है और आपकी जो ग्रूमिंग होती है वो होती है एक यूनिफॉर्म में, जो होटल मैनेजमेंट के बच्चों के लिए होती है, स्टूडेंट के लिए होती है। तो आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है, जाते के साथ आपको पहले दिन ही यूनिफॉर्म दे दी जाती है। तो आपको प्रॉपर ग्रूमिंग में जाना होता है। जैसे आप शेफ की यूनिफॉर्म मिलती है तो आपको जब फूड प्रोडक्शन का आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको शेफ कोट पहनना होता है, शेफ की ड्रेस पहननी होती है, कैप पहननी होती है, ये सब आपको पहनना होता है। और फिर आपका जैसे थ्योरी होती है F&B या फ्रंट ऑफिस, या प्रैक्टिकल होता है F&B फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग, तो आपको उसमें यूनिफॉर्म पहननी होती है, कोट पैंट और अपना आपको ब्लेजर ये सब आपको, और टाई प्रॉपर ग्रूमिंग आपको उसमें रहना होता है। तो आप ये सब आपको करना पड़ता है, ये फेसिंग करनी पड़ती है। आप ये ना सोचिए कि हमने तो प्लस टू कर लिया है और अब हम कॉलेज में जाएंगे और अपना स्टाइल दिखाएंगे और अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, ये सब आप भूल जाइए। इसमें कोई मॉडलिंग नहीं होती, मॉडलिंग में नहीं जा रहे आप जा रहे होटल मैनेजमेंट की डिग्री करने, जो है प्रोफेशनल। तो एक प्रोफेशनल की तरह ही आपको बनना होता है और आपकी उसमें ही ग्रूमिंग डेवलप होती है और आप उसी में एक स्मार्ट लगते हो जिसमें आपकी ग्रूमिंग जो है वो भरकर आती है यूनिफॉर्म के अंदर ही। तो ये आपको फेसिंग करना होता है। जो कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जब कॉलेज में जाते हैं और एडमिशन होटल मैनेजमेंट की ले लेते हैं तो वो ये सोच ही नहीं सकते कि बिना सोचे समझे ही, अब जो आप मेरी वीडियो को देख रहे थे आप तो सोच समझ के एडमिशन लोगे, जो बिना सोचे समझे एडमिशन ले लेते हैं होटल मैनेजमेंट में और फिर उनको जब यूनिफॉर्म बोला जाता है पहनने के लिए तो उनको वो तकलीफ होती है। वो सोचते हमने तो प्लस टू कर दी और अब हम यहाँ पर कॉलेज में आए तो वो किस लिए आए हैं, हम तो अपनी पर्सनैलिटी दिखाने आए हैं, हमने तो यूनिफॉर्म बहुत पहननी अपने स्कूल के जमाने में। तो ये सब नहीं होता, आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है और आपकी ग्रूमिंग में आपको आना होता है। तो ये सब आपको फेसिंग करना होता है। फिर बात करते हैं हम जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, तो आप जब होटल में जाते हो तो उसमें आपको क्या फेस करना होता है। उसमें आपको जो है वहां पर आपको 10 से 12 घंटे में आपको ड्यूटीज करनी होती है और हर डिपार्टमेंट में करनी होती है। जब आप कॉलेज के थ्रू जाते हो IT पर तो हर डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग करनी होती है, 6 मंथ की होती है। तो आपको जैसे 2-2 मंथ में आपको या 1.5-1.5 मंथ की आपको हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करनी होती है, वो होती है 10 से 12 घंटे। और ये सच है कि ट्रेनिंग जो है वो हार्ड होती है और हार्ड वर्किंग है, बट आप उसमें बहुत कुछ सीख लेते हो, वो होता है प्रैक्टिकली। क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और आपको थ्योरी भी करवाया जाता है, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी बढ़ जाती है। होटल के बारे में जब आप IT में जाते हो तो आधा आपको पहले से सब कुछ पता होता है, क्योंकि आपने डिग्री कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, आपको पता पहले से चल जाता है कि हमें क्या क्या करना होता है, क्योंकि होटल कॉलेज में आपको सब कुछ सिखाया जाता है। और आप ये सब बातें तो भूल ही जाइए कि हम बालों में कलर करके जाएंगे या फिर हम कानों में इयररिंग्स पहन के जाएंगे, वॉच पहन के जाएंगे या कुछ भी, या फिर आप टैटू का आपको शौक है वो भी आप भूल जाइए। स्टूडेंट होते हैं कि हम प्लस टू कर लेंगे और हम तो प्लस टू के बाद टैटू बनवाएंगे, तो वो सब आपको नहीं बनवाना होता। तो इंडिया में तो बिल्कुल ही अलाउड ही नहीं है टैटू का और कलर का, तो ये सब आप भूल ही जाइए। तो आप सोच समझ कर ही इस होटल मैनेजमेंट की डिग्री में आप जा सकते हैं और आपको ये सब फेसिंग करनी होती है।
जब हमारी आईटी पूरी हो जाती है फिर हम वापिस जब अपने कॉलेज में आते हैं तो उसके बाद फिर हमारी दो तीन महीने बाद या फिर 6 महीने बाद साल बाद फिर हमारी जेटी स्टार्ट होती है। फिर जेटी के बाद उसमें भी वही प्रोसेस होता है और आपका जेटी उसी में आपको जाना होता है जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, तो आप उसमें जाके और फिर आप वही सेम प्रोसेस करते हो। 12 घंटे 15 घंटे की आपको ड्यूटीज करनी होती है, ग्रूमिंग में जाना होता है और टाइम का आपको ध्यान रखना होता है और आपको 12-15 घंटे वर्क करना होता है, एक हार्ड वर्किंग करना होता है जिसमें आपको टाइम की परवाह नहीं करनी होती और 10-10, 12-12 घंटे आपको खड़ा रहना होता है। तो ये सब है एक होटल मैनेजमेंट में जो आपको फेस करना होता है। बट एक होटल मैनेजमेंट की बात ये भी अच्छी है कि आप अगर कोई और कोर्स करते हो या कोई और डिग्री करते हो तो उसमें जो चांसेस है आपके जॉब के वो बहुत कम होते हैं, 50%। बट होटल मैनेजमेंट की डिग्री जब आप करते हो तो 100% आपके है, 100% है आपकी जॉब के, क्योंकि आपको जॉब मिलती है हर होटल में, क्योंकि होटल एक ऐसा है जो 24 आवर्स चलता है और उसमें वर्किंग डे ज्यादा होता है और उसमें जो है होटल जो है हायर ज्यादा करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें काम ज्यादा होता है, जैसे फ्रंट ऑफिस का हो गया, हाउसकीपिंग का हो गया, बार का हो गया और किचन का, तो इसमें ज्यादा जॉब मिलती है आपको और आपकी जो ये जॉब है यहाँ पर पक्की होती है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, तो आपकी यहाँ पर जॉब पक्की है। तो इसलिए होटल मैनेजमेंट एक बेस्ट है और अच्छा ऑप्शन है। बट इसमें जो आपको फेसिंग करनी होती है वो मैंने सब आपको बता दी क्या क्या फेसिंग करनी होती है, तो उसमें आप अपना क्या खो रहे हो और क्या पा रहे हो वो सब मैंने आपको बता दिया। तो ये तो बात है कि जब हम किसी लाइन में जाते हैं अपना करियर बनाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खोना होता है, जिसने जो खो दिया वो उससे ज्यादा पाता है। जैसे आपने अपना कलर पार्लर का शौक है, कलर आपने वो छोड़ दे कि हाँ नहीं करवाऊंगी, नेल्स हो गए, नेल्स आपको पढ़ाने नहीं होते, अगर आप लड़की हो तो आप होटल में जा रहे हो तो नेल पेंट नहीं लगानी होती, ग्रूमिंग प्रॉपर रखनी होती है, आप लड़के हो शेविंग प्रॉपर तरीके से करनी होती है, तो ये सब आपको करना होता है। ये नहीं कि आपने यहाँ दाढ़ी रख ली, कोई मूछे रख ली, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको प्रॉपर एकदम क्लीन शेप करनी होती है, नेल्स को काट के रखने होते हैं और अपनी प्रॉपर ग्रूमिंग बनानी होती है और लड़कियों को एक बन बांधना होता है पीछे, तो ये सब आपको करना होगा। ये नहीं आप खुले बालों में चले गए अपना स्टाइल दिखा दिए बालों का, ये सब आपको नहीं करना होता। तो ओके फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको बता दिए कि आपको क्या क्या फेस करना होता है। तो जब भी आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री करें या डिप्लोमा करें तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम जाएंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी, और ये एक ऐसी लाइफ है कि जहाँ आपकी जॉब पक्की है। तो ओके फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।